सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्स फोर्स मूवी के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। वेल फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ये न्यूज आई थी कि फॉक्स चाहता है वो एक्स फोर्स मूवी बनाए। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी लिखने के लिए उन्होंने चूज किया है ड्यूएन गॉडरेस को, और वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी करने वाले हैं। और रिसेंटली उन्होंने डेयरडेविल की सीरीज भी लिखी थी, तो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छे राइटर है और वो फैंस को एक अच्छी मूवी देंगे। लेकिन इस मूवी का नाम आते ही एक प्रॉब्लम ये आती है कि इस मूवी में कहीं ना कहीं वुल्वरीन का भी एक मेन रोल है, तो फॉक्स उस रोल को कैसे दिखाएगा वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ह्यूग जैकमैन ने वुल्वरीन के रोल से रिटायरमेंट ले ली है, यानी कि अब वो आगे लोगन का रोल नहीं करने वाले। तो क्या हमें इस फिल्म में नया लोगन दिखने मिलेगा या फिर वो इस रोल के लिए वापस आएंगे, ये तो हमें आगे पता चलेगा। और साथ ही साथ इस फिल्म में दो बड़े कैरेक्टर होंगे जिन्हें हम आने वाली फिल्म डेडपूल 2 में देखने वाले हैं। एक है जॉश बॉलिन, जो करेंगे इस फिल्म में रोल केबल का, और दूसरे हमारे डेडपूल खुद, जिसका रोल करते हैं रियान रेनाल्डो। और रिलीज डेट की बात करें तो फॉक्स ने अब तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इस फिल्म की रिलीज डेट क्या है, और मुझे लगता है कि काफी फैंस को ये नहीं पता होगा कि एक्स फोर्स कौन है। वेल, आगे चलकर अगर उसकी और भी कोई न्यूज आएगी तो मैं एक्स फोर्स के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, जिसके चलते फैंस को उन्हें समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और दूसरी खबर है गौथम सिटी सेरीन की, कि वो फिल्म अब डेवलपमेंट में आ गई है, और मेरे हिसाब से काफी लोगों को ये पता नहीं होगा कि ये फिल्म क्या है। इसके बारे में भी मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में बताया था। तो इस फिल्म को लेकर ये खबर आई है कि पॉइजन आईवी के रोल के लिए फॉक्स को चुना गया है, और बाकी कैट वुमेन अब तक कोई एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने इस वीडियो में भी डाल दिया। और दूसरी खबर की बात करें तो वो है कि डिज्नी और मार्वल ने नेटफ्लिक्स से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए हैं, यानी आगे चलकर हमें नेटफ्लिक्स के अंदर कोई भी सीरीज नहीं दिखने वाली मार्वल की। अब उनके बीच क्या हुआ है उसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।